जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नक्सली मुठभेड़ को लेकर गठित कांग्रेस कमेटी की जांच दल ने मुठभेड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात कर रिपोर्ट की तैयार। कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे रिपोर्ट। 25 फरवरी दिन रविवार को हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ के बाद कांग्रेस कमेटी ने मुठभेड़ को लेकर उठ रहे सवाल पर 7 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया था। गठन के बाद आज कांग्रेस की जांच दल कोयली बेड़ा पहुंची, जहां उन्होंने मुठभेड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से बातचीत कर रिपोर्ट तैयार की। इस मुठभेड़ पर कांग्रेस कमेटी के जांच दल का कहना है कि मौके पर बहुत पहुंच परिजनों से बातचीत कर रिपोर्ट तैयार की गई है। यहां पहुंच जांच करने के दौरान उन्होंने ये मुठभेड़ फर्जी दिखाई पड़ रही है। पुलिस ने जिन 3 लोगों से नक्सली को बता मारा है वे बेकसूर आदिवासी ग्रामीण हैं। वे ये जांच रिपोर्ट कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामने रखेंगे। ग्राम आदिवासी की आवाज बुलंद करने के लिए वे सड़क की लड़ाई लड़ने को भी तैयार है। पार्टी 15 साल में आप देखेंगे तो बहुत सारा इनकाउंटर हुआ फर्जी। 5 साल हमारी सरकार रहे, भूपेश बघेल जी की सरकार रहे, हम कभी भी फर्जी इनकाउंट पर विश्वास नहीं करते थे। लोकतंत्र प्रजातंत्र में है कि हमको एक दायरे में रह के हमको काम करना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि ये जो है नक्सली के धमकाने के नाम से अमित शाह जी अभी आए थे बस्तर में, कुल मिला के वो ऐसे करेंगे। और आने वाला समय मुझे लगता है कि और बहुत से फर्जी होगा, इसलिए लोग अब जंगल जाना, क्योंकि हम आदिवासी परिवार का एक वो है कि हम जंगल में ज्यादा रहते हैं, हमारी खेती होती है वो जंगल में होती है। महुआ तोड़ने बिनने के लिए, साल बिनने के लिए, तेंदुपत्ता तोड़ने के अक्सर जाते हैं। अब इस प्रकार से अगर सरकार हमको सुरक्षा नहीं देगा, फर्जी इनकाउंटर करेगा, तो आदिवासी समाज के ही लोग मारे जाएंगे, हम लोग मारे जाएंगे। तो इस पे रोक होना चाहिए। और अगर कोई नक्सली है तो नो डाउट उसमें पूरा उनका अधिकार है, अगर कानून को हाथ में लेते हैं तो इनकाउंटर कर सकते हैं। विधानसभा में आवाज बुलंद करेंगे इस बात पे? निश्चित तौर पे, वो तो विधानसभा समाप्ति की ओर था ये मुद्दा, बड़े मुद्दा है, चूंकि ऐसे सीधे साधे लोगों को मारे हैं। इस मुद्दा को विधानसभा से लेकर सड़क और सदन तक हम इसको रखेंगे और पूरा जोर लगाएंगे कि इनको न्याय मिलना चाहिए। इनके परिवार वालों को एक प्रकार से जो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके जीवन यापन के लिए इनको कम से कम, हम तो ये भी कहेंगे कि इसको पूरा जो सहयोग बनता है 50-50 लाख रुपए मिलना चाहिए। भाजपा के जो वन मंत्री उन्होंने नसीहत दी कांग्रेस को, कांग्रेस के 5 साल कार्यकाल को देख ले, उस पर क्या कहें? दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के विधायक को कि आज तक अभी तक हमें पता चला कि यहाँ के परिजन जिसको उन्होंने विधायक बनाया, यहाँ पर अभी तक उन लोगों ने नहीं आया, ना कोई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कम से कम एक कटसी बतौर एक मानवीय दृष्टिकोण से यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यहाँ आना चाहिए। स्थानीय विधायक चूंकि मंत्री भी रहे हैं, उनको आना चाहिए। और ये इससे स्पष्ट होता है कि वो किस ओर उनका इशारा है। 25 तारीख की घटना जब पुलिस के माध्यम से पता चला तो सबको लगा कि ये नक्सली मुठभेड़ है, किंतु जब जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के सरपंचों से और बाकी लोगों से जब पता चला ये जो पब्लिक को कि ये सामान्य नागरिक थे, इनका नक्सलियों से कोई लेन देन नहीं है और ये लोग अपने जो तेंदुपत्ता बांधने के जो रस्सी लेने के लिए जंगल में गए थे, तो ये एक हृदय विदारक घटना थी। और हम लोग यहाँ पे आए हैं इनके गांव में, ग्राम मर्दा में, पेवारी भी एक वहाँ से भी हुआ था, वहाँ भी गए थे और हमने देखा कि ये सीधे साधे ग्रामीण हैं और इनका नक्सली गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं। ये शादीशुदा हैं, अभी एक जो पहले परिवार में उनकी वाइफ, उनकी पत्नी जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। उन्होंने भी बताई अपने दर्द को कि उनके पति कभी ऐसा, उनके खिलाफ ना कभी कोई आपराधिक प्रकरण था और ना कभी पुलिस जांच के लिए आई थी। तो ये एक ऐसा घटना है कि पुलिस ने केवल अपने वाहवाही के लिए, अपने इनाम पाने के लिए, अपने प्रमोशन पाने के लिए ये फर्जी मुठभेड़ को अंजाम दिया है और उसी को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने मीडिया को एक बात लाया था कि ये नक्सली है। पर नक्सलियों के कोई भी जो वो होता है निशान, ये उनकी गतिविधियों से जो संदिग्ध दिखता है परिस्थितियां, ऐसा कोई भी परिस्थितियां नहीं है। यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि, यहाँ के पंच, सरपंच,
सारे लोग एक मत से कह रहे हैं कि ये कभी भी इनका नक्सली गतिविधियों से कोई संबंध नहीं रहा है। जांच टीम का अगला कदम क्या होगा? चूंकि हम लोग राजनीतिक पार्टी के हैं, हम जो जनता के आवाज को हम अपने हाईकमान तक ऊपर पहुंचाएंगे। तो जो बातें आज हमने यहाँ पे देखी, हम लोगों ने जो महसूस किया है, वो सब बातों का एक प्रतिवेदन बना के हम लोग ऊपर देंगे और ऊपर हमारे जो हाईकमान है वो निर्णय लेगा कि इसमें आगे क्या कार्रवाई की जानी है। हम तो यही कहेंगे कि सरकार की जो नियम है कि निरपराध अगर मारे जाते हैं तो उनके जो राहत के, उनके जो मुआवजे के जो प्रावधान है, इन परिवारों को भी दिया जाए। गरीब परिवार है ये और किसी तरह अपना जीवन यापन करते थे, तो हमारा तो यही मांग रहेगा कि दोषी व्यक्तियों को सजा मिले और जो निर्दोष मारे गए हैं उनके परिवार को समुचित आजीविका के लिए आगे उसको राशि दी जावे। सर, जिला प्रशासन ने दंडाधिकारी जांच का आदेश दिए, क्या लगता है आपको कि जो पीड़ित परिवार है उनको जांच से न्याय मिल पाएगा? देखो, रिपोर्ट आने पे पता चलेगा, किंतु वो भी सरकारी एजेंसी है, जैसे पुलिस है वैसे कलेक्टर है। कलेक्टर जांच का निर्देश देता है, वो एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो उसमें कोई बहुत न्याय मिल पाएगा इसका हमें संदेह है। किंतु हम क्योंकि अभी आज ही उन्होंने आदेश दिया है, देखते हैं आगे क्या होता है। किंतु हम तो यहाँ आके जो देख रहे हैं